नमस्कार फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर नरेश खत्री। बात करेंगे आज 13 फरवरी 2012 को होने वाले सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। कुंभ राशि में जाने वाले सूर्य महाराज राशि चक्र की प्रत्येक राशि को कैसा फल देंगे उसके बारे में। 13 फरवरी 2012 को सूर्य महाराज कुंभ राशि में जाएंगे, उसको कहेंगे कुंभ संक्रांति। कुंभ संक्रांति जो प्रत्येक राशि को कैसा फल देंगे उसके बारे में देखते हैं इस वीडियो में। राशि चक्र की जो प्रथम राशि है वो मेष है, और मेष राशि को जो ये सूर्य हैं वो 11वें स्थान में रहेंगे। 11वें स्थान में सूर्य का भ्रमण बहुत शुभ माना गया है, राजयोग कारक माना गया है। मित्रों से लाभ रहेगा, गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा। राशि चक्र की जो दूसरी राशि है वो वृषभ है। वृषभ को सूर्य 10वें स्थान में भ्रमण करेंगे। 10वें स्थान में भी भ्रमण शुभ माना गया है, राजयोग कारक माना गया है। पिता से लाभ रहेगा, सरकार से लाभ रहेगा। राशि चक्र की तीसरी राशि है वो मिथुन है। मिथुन राशि को सूर्य का जो भ्रमण है वो 9वें स्थान में से होगा। चंद्र राशि से 9वें स्थान में सूर्य का भ्रमण भी शुभ माना गया है, भाग्य वृद्धि करने वाला है। कर्क राशि के लिए सूर्य का भ्रमण होगा 8वें स्थान में चंद्र राशि से। 8वें स्थान में भ्रमण शुभ नहीं है, कोर्ट कचहरी या गवर्नमेंट से नुकसान हो सकता है। फैमिली एवं फाइनेंशियल मैटर में आपको केयर करना बहुत जरूरी है। राशि चक्र की जो पंचम राशि है वो सिंह राशि है, और सिंह राशि को जो सूर्य का भ्रमण है वो सप्तम भाव में है। पति पत्नी एवं दाम्पत्य जीवन के लिए ज़्यादा केयर करें, मैरिज लाइफ में केयर करें। माइंड थोड़ा सा शॉर्ट टेम्परनेस हो सकता है, शॉर्ट टेम्परनेस पर भी आप कंट्रोल करें। राशि चक्र की जो छठी राशि है वो कन्या राशि है, और कन्या राशि को जो सूर्य का भ्रमण है वो 6वें स्थान में होगा। रोग एवं शत्रु पर विजय देने वाले हैं सूर्य 6वें स्थान में। भ्रमण आपके लिए बहुत शुभ है, राजयोग कारक है। राशि चक्र की जो सातवीं राशि है वो तुला है, और तुला राशि को सूर्य का जो भ्रमण है वो पंचम स्थान में होगा। पंचम स्थान में सूर्य का भ्रमण मध्यम प्रकार का माना गया है, न ज़्यादा शुभ है न ज़्यादा अशुभ है। राशि चक्र की जो आठवीं राशि है वो वृश्चिक है। वृश्चिक को कुंभ का भ्रमण जो है वो चतुर्थ स्थान में होगा। चतुर्थ स्थान में सूर्य का भ्रमण शुभ नहीं है। माता एवं पिता से थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। प्रॉपर्टी का कुछ मैटर है तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू डू इन दिस टाइम, और भ्रमण आपके लिए शुभ नहीं है। राशि चक्र की नवमी राशि धन राशि है। धन राशि को जो सूर्य का भ्रमण है वो पराक्रम स्थान में होगा। पराक्रम स्थान में सूर्य का भ्रमण बहुत शुभ माना गया है, राजयोग कारक माना गया है। साहस में वृद्धि होगी, ब्रदर सिस्टर रिलेशन भी से भी लाभ होगा। राशि चक्र की जो 11वीं राशि है, सॉरी 10वीं राशि है वो मकर है, और मकर को सूर्य का जो भ्रमण है वो धन स्थान में है। धन स्थान में सूर्य का भ्रमण मध्यम प्रकार का माना गया है। और राशि चक्र की जो 11वीं राशि है वो कुंभ राशि है। कुंभ राशि को जो सूर्य का भ्रमण है वो राशि के ऊपर से भी वो भी मध्यम प्रकार का माना गया है। मैरिज लाइफ में दाम्पत्य जीवन में आप केयर करें। राशि चक्र की अंतिम राशि जो है वो मीन राशि है, और मीन राशि को जो सूर्य का भ्रमण है वो 12वें स्थान में है। चंद्र राशि से 12वें स्थान में भी सूर्य का भ्रमण शुभ नहीं माना गया है। आँखों का विशेष केयर करें, गवर्नमेंट कोर्ट कचहरी का जो कुछ मैटर चल रहा है उसमें भी आप केयर करें। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक और नए प्रिडिक्शन के बारे में। नमस्कार।